हेलो उस्मान, इतने दिनों बाद आखिरकार तो मुझे मिल ही गया। जब तक वो ना चाहे तुम उन्हें नहीं ढूंढ सकते। अच्छा तो ऑस्ट्रेलियन कौन और तू कहां से हमसे कनेक्ट हो गया? मैं तो उस्मान से रब्ता करने की कोशिश कर रहा था। वो बालगाय के साथ इत्तेहाद में वफादार है, तुम ये जान लो। और पीले मेरा नंबर तेरे पास कैसे आया? जहाँ तक मेरी बात है, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। क्यों, किस लिए? क्या जो सर कुत्ते ने तेरा ब्रेड खाया था उसका बदला मेरे से लेगा और लड़ाई करेगा क्या? मेरी नियत अगर लड़ाई की होती तो हम पहले ही लड़ रहे होते। तो फिर यहाँ क्यों आया? फ्री की चाय पीना चाहता है? क्या मसला तेरा? मेरा मसला तुमसे लड़ना नहीं है, बल्कि तुम्हें तुम्हारी असलियत बताना है। मेरी असलियत से पहले अपनी असलियत जान ले। तू ऑस्ट्रेलिया के जंगलों से उस्मान को मिला था। तुम्हें तो अपनी हकीकत भी नहीं मालूम है। मुझे खुद की हकीकत मालूम है कि कैसे मैं आवारा बिल्ले से खानदानी बिल्ला बनाऊं। जैसे तू सर कुत्ते को कहानियां सुनाता है, वैसे मुझे सुनाकर वरगला नहीं सकता। कहानियां? अच्छा ये बता कि तेरा भाई कुंगर कहाँ है इस वक्त? वो तो तेरे साथ चाट खाने गया था ना। भाई कुंगर भाग गया। अबे वो भागा कैसे? यानी चाट के पैसे तूने अकेले ने मुहैया किए दुकानदार को? पानी भाई, उसने पानी मांगा था और जब मैंने पीठ फेरी उसने पीछे से वार किया। इससे पहले भी उसकी तेरे साथ हेरा फेरियां उसकी फहरिस्त में शामिल है। तुझे चाहिए था इस बार उसके हाथ बांध कर उसे चाट खिला। नहीं बांधा था भाई। और अच्छा जब वो तुझे धिक्का देकर भागने के लिए दौड़ा तो तूने उसे पकड़ने के लिए गया क्यों नहीं? या फिर उसने तुझे कीचड़ में धिक्का दिया था? मैं आपको नहीं बता सकता, शर्मिंदा हूँ मैं। अच्छा जब कुछ बताना ही नहीं है तो फिर आया क्यों? चला जा फिर यहाँ से। मैं नहीं जाऊँगा, कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा, अगर जाने का भी इरादा नहीं है तो ऐसा करके कुंगुर को ही पकड़ के मेरे पास ला, ताकि मैं उसकी क्लास लूं, उसे सेट करूं और तेरे वसूल कराऊं पैसे। वो मुझ पर यकीन नहीं करेगा, नहीं करेगा यकीन। तो क्या अभी तेरा लूडो खेलने का वक्त है या फिर ट्यूशन जाने का? ये वक्त बालकाय को मारने का नहीं है मेरे पास। नहीं अभी उसे काम क्या लेना है वो तो बता दे। बात सुनो, हमने उससे अभी इत्तेहाद कर लिया है। यकीनन तूने उसे खानसामा की नौकरी पर फाइज मुसल्लत कर दिया होगा। हमें अभी उसकी जरूरत है। तो क्या उसने तुझे अपना बावर्ची लगा दिया है दांत की विसादत से? तुम उसके साथ ऐसा ही सुलूक रखोगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ताकि हम उसकी कमजोरी जान सके। फिक्र मत कर, सुलूक तो वैसा ही होगा, अलबत्ता लहजा मुनफरिद हो सकता है। अल्लाह खुश रखे। चल ठीक है, कॉर्नर में चलता हूँ। तो दोस्तों जिस जिस को ये कॉर्नर की वीडियो पसंद आई वो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन लाजमी दबाए। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।